बहुत बहुत सारे लोगों ने अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए आप लोगों का मैंने सुना, बहुत बोला आप लोगों ने, आप लोगों ने बोला, बैठिए बोलने दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी रहिए, बैठिए, आप भी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बोलने दीजिए अध्यक्ष जी। हाँ बोलिए। पूरे चर्चा को मैं अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल के जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल, 7 decades लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे, और वक्तव्य दिया इसी सदन में, वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 मैं 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए, या नेफा टाइप बनाइए, या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया, और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिंपोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुपस्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है, और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो, या 1999 का हो, या 1948 के कबेले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सभापति महोदय, कारगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कारगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कारगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था,
और लद्दाख वालों ने मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है। लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल? मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है। आज अध्यक्ष जी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी लेकिन उस वक्त एक दुर्घटना हमारे साथ घटी। आज मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा। तब के ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया, उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? अध्यक्ष जी मैं कल 11 बजे राज्यसभा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सुन रहा था। बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया, धारा 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं। आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो, क्या ये आपका इक्वालिटी? क्या ये है आपका इक्वालिटी? जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूं, दोनों वहां पे सिविल सेक्रेटरीट है। आप डेटा खोल के देखिए, उस सिविल सेक्रेटरीट में लद्दाख के कितना मुलाजिम है, क्या यह है आपका इक्वालिटी? अगर आप 1000 इंप्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाट झगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते, क्या यह है आपका इक्वालिटी? हसनैन मसूदी जी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाट झगड़ के दिया नहीं लाट झगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। कल राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूं, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला 4 आपने कश्मीर को दिया, तो जम्मू वालों ने लड़ाई की है तो 4 देना पड़ा, लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह आपका इक्वालिटी है? इस सरकार में इस बिल को हम वेलकम करते हैं और हम
हम एक अंत में जो लोग अभी तक कंफ्यूज में उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य बहुत लंबी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और मैं देखता हूं सदन में हमेशा सार्वगर्भित बात कहते हैं माननीय सदस्य। मैं जानता हूं माननीय सदस्य बहुत लंबी लोकसभा क्षेत्र है और नौजवान होकर जब भी सदन में बोलते हैं, मैंने जब भी देखा अच्छा बोलते हैं, ऐसे माननीय सदस्यों को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। श्री